दोस्तों Xiaomi कंपनी ने गेम्स लवर को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 2 भारत में लॉन्च कर दिया है। ये स्पेशली गेम के लिए बनाया गया है और इसमें काफी अच्छे फीचर भी आपको मिल रहे हैं। दोस्तों Xiaomi फंडेड ब्लैक शार्क 2 कंपनी ने भारत में आज ये फोन 1 बजे लॉन्च कर दिया है। इसका मकसद ये था क्योंकि दोस्तों आजकल भारत में गेम का क्रेज बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और दोस्तों आजकल हम देख सकते हैं कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बहुत ज्यादा भारत में खेले जाने लगे हैं और हर कोई आपको गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली ये गेम के लिए बनाया गया है। इसमें प्रोसेसर है वो 855 का आपको मिलने वाला है और रैम है वो 12 GB की रहने वाली है, तो गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और भाई आपको क्या फीचर मिलने वाले हैं पूरी रियल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कितनी प्राइस इंडिया में रहेगी और क्या नया आपको मिलने वाला है, कैमरा कितना रहेगा, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बट्टू राजपूत, एक बार फिर से स्वागत है आपका नयाकार जितेरा में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहां पे मिलेगी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले ब्लैक शार्क 2 के स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6.39 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है वो 90.5.9 है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 403 पिक्सल प्रति इंच है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए हैंडसेट में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ एड्रेनो 640 GPU और 12 GB तक रैम है। दोस्तों ब्लैक शार्क 2 के कैमरे सेटअप की बात करें तो दोस्तों इसमें 2 रियर कैमरे हैं। फोन के पिछले हिस्से में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जिसका अपर्चर है वो दोस्तों 1.75 है। सेकेंडरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर है वो 2.2 है। रियर कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम सिस्टम के साथ आता है। वहीं दोस्तों रियर कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसका अपर्चर है वो दोस्तों f2.0 है। ब्लैक शार्क 2 में 2 स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे, एक 128 GB, दूसरा 256 GB होने वाला है। वहीं दोस्तों Xiaomi ब्लैक शार्क 2 की अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो चीनी बाजार में ब्लैक शार्क 2 की कीमत है वो 3199 चीनी युआन यानी कि 32,300 रुपये रखी गई है। इस कीमत में 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके अलावा फ़ोन के 8 GB और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है वो 3499 चीनी युआन लगभग 35,300 रुपये है। वहीं दोस्तों 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की अगर बात करें तो 2,3799 चीनी युआन लगभग 38,300 रुपये है। और इसके प्रीमियम मॉडल में 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज है जिसकी कीमत है वो 4,199 चीनी युआन लगभग 42,400 रुपये है। वहीं दोस्तों ड्यूल सिम वाले ब्लैक शार्क 2 में कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, GPS, AGPS और USB Type-C पोर्ट शामिल है। वहीं दोस्तों इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फोन का हिस्सा है। फोन को पावर देने के लिए दोस्तों इसमें 4000mAh की बैटरी दी गई है। वहीं दोस्तों Xiaomi का ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है, हर एक तरफ से अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी प्राइस थोड़ा कम हो जाती है तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें 855 का प्रोसेसर मिल रहा है तो दोस्तों इसकी 25-26 हज़ार प्राइस ठीक है रहती है, तो इतनी बढ़िया रहेगी। अगर ऐसा रहता है तो काफ़ी बढ़िया ये फ़ोन बिकेगा क्योंकि दोस्तों आजकल हर कोई आपको गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। आजकल और भी बेहतरीन गेम आने वाले तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ एक नए टेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।